तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त टॉपिक, नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले पढ़े क्या है हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या छोटा सा डिफरेंस है, इनफैक्ट वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है उसका रीजन कौन है, उसका रीजन है फोर्स। ये हमको बताया फर्स्ट लॉ ने, यानी कि वेलोसिटी चेंज का रीजन। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स है, फर्स्ट लॉ से मालूम चला। फर्स्ट लॉ बताता है हमको कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ हमको बेटा बच्चे क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कॉज क्या है, वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, फोर्स की वजह से। फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन, यानी इसका मतलब बॉडी में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन बॉडी में है। ये हमको बताता है फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ हमको क्या बताता है बच्चों, सेकंड लॉ हमको बताता है कि फोर्स कितना है। सेकंड लॉ बताता है हमको क्या, अरे तो थर्ड सा लगने लगा। सेकंड लॉ हमको बताता है कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का। और क्या बताता है सेकंड लॉ हमको बताता है, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कौन ऐसी चीज है जिस पर फोर्स डिपेंड करता है, ये हमको बताता है बच्चों सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैं कह रहा हूं आपका डेली लाइफ में आप इसे बहुत देखते हो। आप लोगों ने देखा जैसे नॉर्मली एक क्रिकेटर फील्डर कैच लेता है, अब आप खुद ने कभी लेके देखा होगा कैच, कभी बहुत बार लेके देखा होगा आपने, अगर एक बॉल आ रही है आप उसे कैच करो, फटाक से रोक लो, लगती है चोट, और आप ऐसे रोको, थोड़ा कम दर्द होता है। और एक एग्जांपल आप लोग देख के देखें, अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे सू 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 अचानक से आप गिर जाते हैं, मान लीजिए आप गिरते हैं अगर मिट्टी वाली सरफेस पे, रेत पे, मिट्टी पे, गद्देदार जगह पे, आपको चोट कम लगती है। और वहीं अगर उसी स्पीड से, उसी साइकिल से आप जा रहे हो लेकिन हार्ड सरफेस पे, सीमेंटेड रोड पे, डामर की रोड पे आप गिरते हो, तो आपको ओए होए होए हड्डी पसली टूट गई भाई साहब, बहुत दर्द होता है, हिट होती है एकदम से सड़क पाक करके लगती है। मिट्टी पे ऐसा नहीं होता, नहीं होता। तो ये जो रीजन है उसके पीछे सारे, वो सेकंड लॉ हमको बताता है कि फोर्स कितना लगेगा किसी बॉडी में, कैसे पता लगेगा चोट ज्यादा लगेगी कम लगेगी, सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ कहता क्या है, आप देखें इससे पहले हम बात करते हुए आ रहे थे मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था, किसी बॉडी का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम हुआ करता था। अब आप देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है बच्चों द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन होगी कहां को होगी, और जो ये मोमेंटम में चेंज होगा वो फोर्स की तरफ होगा, एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स कहां को लगेगा फोर्स, जहां को चेंज इन मोमेंटम होगा, एंड डायरेक्ट टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये है आपका सेकेंड लॉ। स्टेटमेंट बड़ा लंबा सा दिख रहा है आपको, इतना लंबा लिखने की जरूरत तो होगी, थोड़ा सा लाइट पर आ रहा होगा आई थिंक, आप लोग महसूस कर लोगे, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है यार, क्या करूं। चलिए खैर, The rate of changing momentum is directly proportional to the applied force and is directed and is काम हो गया रे is and is directly towards the direction of change in momentum, जहां को momentum change हो रहा होगा उस direction में force लगने वाला है। और force main जो आपका statement कहता है वो ये कहता है कि जो force है ना, force वो rate of change in momentum पे depend करता है, ये चीज़ में
मोमेंटम के चेंज होने पर डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम कितनी जल्दी चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा और जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, ये कहता है। ये है आपका स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का। इसको अगर मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अपॉन में डेल्टा टी क्यों आया, मैंने बोला था आपको रेट, रेट जब भी आएगा टाइम नीचे जाएगा, किसका चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, तो ऊपर आ गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। ये है आपकी सेकेंड लॉ की इक्वेशन। इसको इक्वल लिख सकते हो आप, कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन आ जाती है, आप इसे इक्वल लिख सकते हो। ये है आपका सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। कभी कोई आपसे पूछने लगे व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप बोलेंगे ये होता है सर, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों ये है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ है, वो सिर्फ एक कंडीशन है। इसका जब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे आगे जाके एफ इज इक्वल टू एम ए का, अब तब उस चीज को समझेंगे। वो सिर्फ एक कंडीशन होती है बच्चों, मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी यही है। ये है आपका सेकेंड लॉ। अगर मैं इसको अच्छे से लिखने लगूं तो क्या होगा, ये तो स्टेटमेंट में लिख ही दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हो फोर्स किस पर डिपेंड कर गया, फोर्स है भैया रेट इन चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखें, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज अपॉन क्या आने वाला है मेरे बच्चों, अपॉन मेरे बच्चों टाइम आने वाला है। फोर्स का फॉर्मूला बना ये, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, देखो ना चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्या, फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो आप बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो। ओके, अब इस चीज को समझे ध्यान से, मेरी बात समझना। मान लीजिए, मान लो वो जो बॉल थी जो फील्डर की तरफ आ रही थी उसका मोमेंटम था 100, कितना था 100, यानी m into v की वैल्यू 100 थी। आपने कैच करा, कैच करते ही बॉल रुक गई, कैच करते ही बॉल क्या हुई, जैसे आपने कैच किया, कैच करते ही बॉल क्या हुई, बॉल स्टॉप हो गई। और आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो मोमेंटम की वीडियो में, जब बॉडी रुक जाती है उसका मोमेंटम हो जाता है मेरे बच्चों 0, यानी कि 100 मोमेंटम की बॉल को आपने 0 लिया है उसका मोमेंटम। आपने मोमेंटम कितना चेंज किया, 100 से 0 लाए, 100 से आ रही थी 0, मोमेंटम में जब भी चेंज निकाले तो भाई साहब याद रखें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भी हाथ से फिसल गया था मार कर, लेकिन मैंने फिसलने नहीं दिया मेरे से दूर जाएगी। अच्छा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों 0, ओके 0, माइनस इनिशियल कितना है 100, तो आया आपका चेंज मोमेंटम माइनस में 100। मैं 100 मान रहा हूं इधर को, तो माइनस में 100 आएगा इधर को, यानी कि डायरेक्शन तो होगी बच्चों ये क्या है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है ना, माइनस 100 आ गया। ओके। अब एक केस जो था वो यही था कि खिलाड़ी ने इस बॉल को झट से पकड़ा, फट से टूट गया हाथ, या धीरे धीरे पकड़ा, मस्त एकदम ऐसे बड़े प्यार से। आप सोच के देखो, जब उसने झट से पकड़ा, उसने मोमेंटम 100 से 0 करा एकदम, टाइम बहुत छोटा, जब टाइम आपका बहुत छोटा होगा, जब डिनोमिनेटर क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, तो ये क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो कैच एकदम से पकड़ता है, फुटुक, टाइम कम लिया, फोर्स ज्यादा लगता है, चोट ज्यादा लगती है, इट विल हिट हार्डर, ये बहुत जोर से लगती है बच्चों, बहुत जोर से लगेगी ये बॉल। अच्छा, अब इसी चीज को सोचो, अगर ये ऐसे लगता, टाइम ले लिया उसने बहुत सेकंड आराम से, जब टाइम बढ़ जाएगा तो ये फोर्स घट जाएगा, क्योंकि देखो चेंज इन मोमेंटम दोनों में ही 100 होगा, वो चाहे एकदम झट से पकड़े या धीरे धीरे करके पकड़े, मोमेंटम में चेंज तो 100 ही हुआ। मान लीजिए जिसने पकड़ा झट से मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, माइनस का 100। अब एक बात सुनो, एक बात सीरियस, जब इसने कैच पकड़ा, माइनस की डायरेक्शन क्या बताती है, फोर्स की डायरेक्शन, मैंने लिखाया था डेफिनेशन अभी,
यानी कि फोर्स आपने जब कैच से अपने हाथ से लपका तो फोर्स इस पे बॉल पे आपने इधर को लगाया, सोच के देखो तभी तो बॉल रुकी होगी, अदरवाइज बॉल की स्पीड बढ़ जाती है ना। तो माइनस क्या दिखाती है, डायरेक्शन फोर्स, ये मैंने आपको बताया। खैर अब एक चीज सोचे, देखो इसी में दो केस बन गए, एक झट एक पट। एक तो झट से पकड़ा यानी कि क्विकली बहुत तेजी से, एज फास्ट एज ही कैन क्विकली, उसने क्विकली रोक दी। एक ने धीमे 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 रोकी, उसने बॉल को रोकी रोकी। मान ले इसने तो टाइम लिया, इसने रोक दी बॉल को एक सेकंड में, इसने बॉल को रोका मान ले कितने में, मान लो तीन सेकंड में मान ले, या चार में मान ले, और धीमे मान ले, जितना धीमा मान लो मान लो। अब सोच के देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंजिंग मोमेंटम कितना हुआ रे 100, माइनस का 100 हुआ था, तो फोर्स यहां से कितना निकलेगा, माइनस का 100 बटा टाइम कितना 1, यानी माइनस का 100 न्यूटन। वहीं इस आदमी को देखो, दूसरा आदमी जो धीरे धीरे पकड़ी थी उसके लिए फोर्स कितना लगेगा, फिर से वही चेंजिंग मोमेंटम, भैया कितना आया मेरे बच्चों, माइनस का 100, टाइम कितना 4, यानी फोर्स कितना आ गया, माइनस के 25। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की, अपोजिट में लग रही है फोर्स, ये ज्यादा कि ये, हाँ 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 ये ज्यादा, जिसमें टाइम कम है वहां पे फोर्स ज्यादा है, इसीलिए इसने ज्यादा जोर से हिट किया, इसने थोड़ा धीमे हिट किया, इसलिए खिलाड़ी धीमे धीमे हाथ को पीछे करता है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था क्या, जब आप साइकिल चला रहे हैं आप एकदम से गिरे, साइकिल चला रहे हो तो कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और जैसे ही गिरे, एक बार गिरे आप मिट्टी वाली सरफेस पे, जब आप मिट्टी वाली सरफेस पे गिरे तो आपको रुकने में थोड़ा टाइम लगा, स्लो मोशन में देखो, हार्ड सरफेस पे गिरे झटाक से गिरे, टाइम कम फोर्स ज्यादा, इसीलिए हार्ड सरफेस पे आपको चोट लगती है। सेकंड लॉ में फिर से कह रहा हूं भाई साहब, बेहद इंपॉर्टेंट लॉ है, बेहद ही इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं फिजिक्स का एक बहुत जबरदस्त लॉ है, बहुत जबरदस्त लॉ, याद रखेंगे आप इस लॉ को। और क्या होगा, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या देखें, एक कराटे ईटें पीटें ऐसी होती हैं, वो हाथ लाता है एकदम से फटाक तोड़ देता है सारी ईटों को, क्यों, मोमेंटम बहुत तेज, और उसने ईटों को बहुत छोटे से टाइम के लिए मोमेंटम एकदम से जीरो हुआ उसके हाथ का, सोच के देखो इतना हाई मोमेंटम एकदम से जीरो कर दिया, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स ये ईट लगाएंगी उसके हाथों पे बहुत ज्यादा, और आपने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, धड़ाप से इसे तोड़ देगा, ईटें तोड़ देता है। ऐसे ही आप लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया, आपने देखा गाड़ियों में बाइकों में शॉकर लगे होते हैं ताकि आपको झटके ना लगे, लगते हैं झटके, चोट ना लगे, अब नहीं होते शॉकर तो धड़ाम से आपके बर्गर वगैरह टूट जा सकते थे, दब सकते थे, बर्गर जो होते हैं प्लेन हो जाते, लेकिन जब वो शॉकर लगे वो आपको एकदम से दब नहीं देते, कहते उठ जा, टाइम बढ़ा देते हैं शॉकर, क्या बढ़ा देते हैं, टाइम, शॉकर आपका टाइम बढ़ा देते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखने वाले बेटा, शॉकर आपका क्या बढ़ा देते हैं, टाइम, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो बता रहा हूं, शॉकर बढ़ाते हैं आपका टाइम। तो ये थी बेटा आपकी सेकेंड लॉ की कुछ एग्जाम्पल, कुछ कॉन्सेप्ट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू वेरी मच।